नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में दो और जजों की नियुक्ति को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस बाबत कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। दो नए जजों की नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या 34 के साथ पूरी हो गई है। नए जजों की नियुक्ति के साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच के साथ काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट काफी समय से जजों की कमी से जूझ रहा था, इस कारण उस पर काम का दबाव बढ़ता जा रहा था। कोर्ट कई बार नए जजों की नियुक्ति की बात सरकार से कहता रहा है। वर्ण व्यवस्था को लेकर पंडितों पर टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पंडित ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को घेरा। देश भर की पंडित बिरादरी के आक्रोश और प्रतिक्रियाओं के बीच महाकालेश्वर के पुजारी ने भागवत को पत्र लिखकर तीन सवाल पूछे हैं। पहला सवाल है, त्रेता युग में भगवान राम किस वर्ण और वंश के थे? रावण का वंश और वर्ण क्या था? शबरी और केवट किस वर्ण और वंश के थे? त्रेता युग में वर्ण व्यवस्था किसने बनाई, श्री राम ने, रावण ने, शबरी ने या केवट ने? स्पष्ट करें। दूसरा सवाल है, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने यदुवंश में जन्म लिया जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में जब स्वयं को वर्ण व्यवस्था का रचनाकार बताया है तो ब्राह्मण समाज पर आरोप क्यों? और तीसरा, अगर देश में वर्ण व्यवस्था समाप्त करना चाहते हैं तो पहले संघ और घटकों की वर्ण व्यवस्था को समाप्त करें। सभी कार्यकर्ताओं के लिए आदेश निकालें कि अपने लड़के लड़कियों के विवाह संस्कार दलित और पिछड़े वर्ग में करें। सभी सदस्यों से एक लिखित नोटरी करें कि आप किसी वर्ण से संबंध नहीं रहेंगे। यदि कोई भी सदस्य वर्ण व्यवस्था में रहता है तो वह संघ को छोड़ सकता है। क्या आप स्वयं उसे संघ से बाहर करेंगे? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुक्रवार को राज्य का बजट पेश करते समय गलती हुई और विधानसभा को आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। दरअसल गहलोत ने गलती से पिछले साल का बजट पढ़ना शुरू कर दिया था। जब तक उनको इसका एहसास होता तब तक कई मिनट हो चुके थे। इस पर विपक्ष के सदस्यों ने विरोध में सदन के वेल में हंगामा किया। हंगामे के बाद सदन को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा पिछले बजट के कुछ हिस्सों को पढ़ने के बाद भाजपा विधायकों ने जब विरोध किया तो स्पीकर सीपी जोशी ने उन्हें शांति बनाए रखने के लिए कहा, लेकिन विपक्ष ने हंगामा जारी रखा। जब सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया तो भाजपा विधायक सदन के वेल के अंदर धरने पर बैठ गए। आज यूपी इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया और यूपी में निवेश की संभावनाओं पर बात की। पीएम ने कहा कि एक तरफ डबल इंजन सरकार का इरादा और दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा उत्तर प्रदेश, इससे बेहतर साझेदारी हो ही नहीं सकती। सरकार आज बुनियादी ढांचे पर रिकॉर्ड खर्च कर रही है और हर वर्ष इसको हम बढ़ा रहे हैं। आपके लिए बुनियादी ढांचे में निवेश के नए मौके बन रहे हैं। स्वास्थ्य शिक्षा में भी निवेश के अनेक अवसर हैं। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर जाना जाएगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यूपी सीधे समुद्र के रास्ते गुजरात से जुड़ेगा। पीएम ने कहा, आज उत्तर प्रदेश की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता से है। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल के परिणाम नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आज अडानी कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। लाइव लॉ के मुताबिक वकील विशाल तिवारी ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनकी मांग है कि अदालत की निगरानी में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच हो। इसके अलावा एक अन्य याचिका भी दायर की गई थी। यह याचिका वकील एमएल शर्मा ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के खिलाफ दायर की थी, जिसकी सुनवाई भी आज होनी थी। वकील एमएल शर्मा का याचिका में कहना है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से देश की छवि तार तार हुई है। शर्मा की मांग है कि शॉर्ट सेलिंग पर रोक लगाई जाए, ये एक फ्रॉड है, इसके जरिए मार्केट को बनावटी तौर पर गिरा दिया जाता है। लाइव लॉ के मुताबिक वकील विशाल तिवारी ने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने अपनी याचिका का जिक्र करते हुए एमएल शर्मा की याचिका का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस की बेंच 10 फरवरी को उस याचिका पर सुनवाई करेगी, इसलिए उनकी याचिका पर भी उसी के साथ सुनवाई की जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने दोनों याचिकाओं को शुक्रवार यानी आज को ही सुनवाई का निर्देश दे दिया। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने कहा है कि वो अडानी की कंपनियों के शेयरों की कीमतों में हालिया गिरावट और संकट से निपटने की योजना के बारे में सफाई मांगेगी। LIC के अध्यक्ष MR कुमार ने गुरुवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी के अधिकारी जल्द ही अडानी समूह के शीर्ष प्रबंधन से मिलेंगे। LIC की यह प्रतिक्रिया इसलिए आई है कि अडानी समूह की फर्मों के शेयरों में LIC के निवेश की विपक्षी दलों और निवेशकों ने आलोचना की है।
यह आलोचना इसलिए की जा रही है कि क्या LIC ने अडानी की कंपनियों की आर्थिक स्थिति देखे बिना ही निवेश कर दिया। अडानी की कंपनियों की आर्थिक स्थिति को लेकर इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह के खिलाफ कई आरोप लगाने वाली एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि इसकी कंपनियां शेयर की कीमतों का प्रबंधन और हेरफेर करती हैं। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में जबरदस्त गिरावट दर्ज की। अमेरिका की सीनेट की विदेश मामलों की समिति की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइडेन प्रशासन को रूस के साथ भारत के संबंधों और इसके लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थानों के गिरते रुझान को संबोधित करने की जरूरत है क्योंकि अमेरिका रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा जारी रिपोर्ट में एक मजबूत और लोकतांत्रिक भारत का समर्थन करने का आह्वान भी किया गया है क्योंकि चीन इलाके में अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। सीनेट के विदेश मामलों के अध्यक्ष सीनेटर रॉबर्ट मेनेंडेज ने कहा कि अमेरिका को इंडो पैसिफिक को एक अच्छी तरह से पुनर्जीवित संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के साथ संपर्क करने की जरूरत है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी ये संख्या बढ़ सकती है। रिपोर्टों के अनुसार तुर्की में बचाव कर्मी हजारों इमारतों के मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए जुटे हुए हैं। भारतीय टीम भी राहत और बचाव कार्य में मदद कर रही है। जीवित बचे लोगों को खोजने की संभावना अब कम हो गई है क्योंकि 72 घंटे का समय, जिसे विशेषज्ञ जान बचाने के लिए सबसे संभावित समय मानते हैं, वो बीत चुका है। भारत भी तुर्की में ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में भारत से तुर्की भेजे गए NDRF के दल ने मलबे में दबी 6 साल की बच्ची को सुरक्षित निकाला है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी है। पाकिस्तान सरकार और IMF 10 दिनों की लंबी और कठिन बातचीत के बाद भी किसी समझौते पर पहुंचने में अभी तक विफल रहे हैं। इससे आने वाले समय में मुल्क का नकदी संकट और गहरा सकता है। पाकिस्तान अखबार द डॉन के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार ने गुरुवार को कहा कि 7 बिलियन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की 9वीं समीक्षा को पूरा करने के लिए वो IMF के साथ पूर्व कार्रवाइयों के एक सेट पर सहमत हो गए हैं, लेकिन एक स्टाफ लेवल अग्रीमेंट 10 दिन की वार्ता के बाद भी मुश्किल रहा। वित्त सचिव हमीद याकूब शेख ने कहा कि सभी मुद्दों को सुलझा लिया गया है और पूर्व की कार्रवाइयों पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि स्टाफ लेवल अग्रीमेंट को आने वाले दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने कुछ बिंदुओं पर सहमति जताई थी जो पाकिस्तान के जनादेश से परे थे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने और किन बातों पर सहमति हुई है। उन्होंने कहा कि इन सभी जानकारियों को संभवतः शुक्रवार को बताया जाएगा। IMF की टीम अब वापस जा रही है और इन मामलों को फंड के प्रबंधन को बताएगी, जिसमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं। शेख ने इसके साथ ही कहा कि दुर्भाग्य से वित्त मंत्री वादे के मुताबिक मीडिया से बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि फंड के प्रतिनिधि मंडल का मानना था कि वॉशिंगटन द्वारा समापन वक्तव्य को मंजूरी दिए जाने से पहले कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। आज से महिला T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है। पहले दिन मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका की टीम श्रीलंका के साथ मुकाबले में उतर रही है। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे खेला जाएगा। विश्व कप में भारतीय टीम अपना अभियान 12 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के साथ करेगी। बता दें, ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम पर इस बार भी नजर रहेगी। वो अपना दबदबा बरकरार रखते हुए रिकॉर्ड 6ठी बार इस खिताब को जीतना चाहेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैच की सीरीज के पहले टेस्ट का आज दूसरा दिन है। पहले दिन गुरुवार को खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 77 रन बनाए थे, जबकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम केवल 177 रनों पर सिमट गई थी। आज दूसरे दिन के खेल की शुरुआत में भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है। रोहित शर्मा अर्धशतक बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।